करनाल के चिरंजीलाल शर्मा गवर्नमेंट कॉलेज सेक्टर 14 में इनसो NSUISFI के छात्र संगठनों द्वारा सरकार द्वारा कॉलेजों में बढ़ाई गई फीस बढ़ोतरी को लेकर धरना दिया, साथ ही रोष प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर गवर्नमेंट कॉलेज सेक्टर 14 में छात्रों द्वारा गेट को ताला लगा दिया गया, जिसको बाद में पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर खुलवाया गया। छात्रों ने कहा कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं करते, वह संघर्ष को और तेज करेंगे और फीस बढ़ोतरी को कम करने के लिए आंदोलन करेंगे। वहीं मौके पर पहुंचकर पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में लिया और कॉलेज के गेट का ताला खुलवा दिया। इसके उपरांत छात्र संगठन लघु सचिवालय पहुंचे और मुख्यमंत्री के नाम BDPO अंकित चौहान को ज्ञापन सौंपा। बैठे आप कौन लोग हैं? कौन सी? मैं इनसो से राहुल तोमर, जिला अध्यक्ष करनाल। आज हम छात्रों के हित की लड़ाई के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। खट्टर सरकार ने जो अपना फीस मुद्दा था वहाँ पे 85% बढ़ोतरी का काम किया है। हमने उसमें प्रशासन को विज्ञापन दिया, कॉलेज प्रशासन को विज्ञापन दिया। हमारी छात्रों की लड़ाई अभी तक कोई सुनने वाला नहीं है। खट्टर सरकार तक ये पहुंचा दिया गया कि भाई अपना फीस बढ़ोतरी इतनी कर दी, इसके मतलब नॉर्मल फैमिली के लिए कोई ये मतलब मुद्दा नहीं है। आज हमारा मुद्दा सिर्फ एक है, छात्रों के हितों की लड़ाई लड़ना, फीस कम करवाना। तो क्या मांग करते हैं आप यहाँ बैठे? हम मांग करते हैं भाई, जो अपना खट्टर सरकार ने 85% फीस बढ़ोतरी का काम किया है वो अपना वापस ले। एक मिडिल फैमिली है, अपना फीस नहीं मैं चोर कर सकता। तो आप क्या प्रदर्शन करेंगे, क्या मांग करते हैं? अगर वापस नहीं लेती है सरकार, अगर वापस नहीं लेती हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे, शहर में प्रदर्शन लगाएंगे, प्रदेश स्तर पर धरना देंगे। मैं अमन पन्नू, जिला अध्यक्ष NSUI करनाल। आज NSUI के साथ साथ SFI और इनसो ने मिलकर छात्रों की लड़ाई लड़ी है। सरकार खट्टर सरकार द्वारा एक तुगलक की फरमान जो जारी किया गया है महीने भर पहले कि 70% फीस में बढ़ोतरी की गई है, इसको लेकर NSUI साथ में इनसो और SFI ने मिलकर गवर्नमेंट कॉलेज करनाल का ताला बंद किया है। आज हम सरकार से, आपके मीडिया के माध्यम से और पुलिस स्टाफ के प्रशासन के माध्यम से आगाह करना चाहते हैं, या तो हमारी मांगे मानी जाए, वरना ये छात्र हैं ये भगत सिंह बनने में टाइम नहीं लेंगे। ताला किसने लगाया? ताला NSUI और SFI और इनसो ने मिलकर ताला लगाया। क्या नाम आपका? अमन पन्नू, जिला अध्यक्ष NSUI करनाल। मैं अमन जोशी, स्टेट कमेटी मेंबर और जिला अध्यक्ष कुरुक्षेत्रा। और आज हमने सभी संगठनों ने मिलकर के SFI NSUI और इनसो ने मिलकर के इस कॉलेज की घेराबंदी की है और तालाबंदी भी की है। हमारी सरकार से ये डिमांड है कि अगर सरकार एजुकेशन का जो लगातार सीट कटौती कर रही है और जो फीसों को लगातार बढ़ा रही है उसको कम किया जाए। अगर सरकार हमारी ये डिमांड को नहीं मानती है तो सभी के सभी छात्र संगठन मिलकर, ये CMCT है, हम यहाँ पर राज्य स्तरीय हड़ताल की खोल देंगे और राज्य स्तरीय हड़ताल भी करेंगे। सारे राज्य के स्टूडेंट मिल करके करनाल की सड़कों पर होंगे और उनकी हुंकार मुख्यमंत्री के आवास का घेराव करने के लिए तैयार रहेगी। मैडम कहाँ से आप? मैं कुरुक्षेत्रा यूनिवर्सिटी से हूँ एक्चुअली, क्योंकि यहाँ पे कुरुक्षेत्रा यूनिवर्सिटी से भी हम लोग आए हैं। हम लोगों को पता चला था कि यहाँ कॉलेज के अंदर, और सिर्फ इस कॉलेज के अंदर नहीं बल्कि आप देखोगे हरियाणा के तमाम कॉलेजेस हैं उनके अंदर सीटों में जितनी कटौती हुई है, आप देखोगे कि कितना रिश्तो हमारे हरियाणा के अंदर या पूरे देश के अंदर हायर एजुकेशन के अंदर जा पाता है, कुल मिलाकर 12 से 14, जिसके अंदर हरियाणा सरकार, भारत सरकार ढिंढोरा पीट रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का। कौन सी बेटी पढ़ा दी इंदर, कौन सी लिखा दी? ये अगर इनके हालात रहे तो ना कोई पढ़ पाएगा ना कोई लिख पाएगा। जिस तरीके से फीसों की बढ़ोतरी हो रही है, आप देखोगे कुछ दिन पहले जींद के अंदर भी इसी तरीके से मूवमेंट लड़ा गया था। कितने ही बार कुरुक्षेत्रा यूनिवर्सिटी के अंदर इस तरीके के मूवमेंट लड़े गए और आज इन बच्चों ने हौसला दिखाया है इस कॉलेज के अंदर। इसी तरीके से हम लोग ये डिमांड करते हैं कि तमाम पूरे हरियाणा के अंदर सीटों को बढ़ाया जाए, तमाम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, और फीस को कम किया जाए ताकि बच्चे अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख सके। और अगर इस तरीके के स्टेप्स हरियाणा सरकार नहीं लेती तो हम लोग पूरे हरियाणा को लामबंद करते हुए इस मूवमेंट को और तेज़ करेंगे और फीस को वापस लेना पड़ेगा सरकार को। ये चेतावनी हम लोग मिल करके सभी छात्र संगठन देना चाहते हैं, ना सिर्फ यहाँ से बल्कि कुरुक्षेत्रा SFI से, संयुक्त छात्र संघर्ष समिति कुरुक्षेत्रा यूनिवर्सिटी से, और तमाम हरियाणा के तमाम जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जितने भी कॉलेज हैं, सभी के विद्यार्थी इकट्ठा होकर के इस लड़ाई को लड़ेंगे और लंबे स्तर तक, बड़े स्तर तक लड़ेंगे जब तक ये फीसों को वापस नहीं लेते। क्या नाम आपका? टीचर का सम्मान, हर चीज़ में यही बात यार, रोक लगाएगा कोई फायदा नहीं। जो इनके डिमांड्स हैं उनके रिगार्डिंग आपने वो क्या आश्वासन दिया? इन्होंने जो भी है, इनकी जो डिमांड है, ये आज SDM साहब को अपना एक उनको दे देंगे। इन्होंने ताला लगा दिया था कॉलेज को, तो आपने क्या किया? ताला मैंने खुलवा दिया उसी टाइम। आगे कितनी देर ताला बंद रहा? ये ज़्यादा से ज़्यादा 5-7-10 मिनट आपके सामने था, 10 मिनट।
अब स्थिति नियंत्रण में, अब स्थिति नियंत्रण है। इनकी जो डिमांड थी ज्यादा फीस की थी, एडीएम साहब को ज्ञापन सौंप देंगे। सरकार द्वारा विभिन्न कॉलेजों की फीस बढ़ा दी गई है, जिसके चलते छात्रों में रोष व्याप्त है और छात्र संगठन जिला सचिवालय में ज्ञापन देने के लिए आए थे। उनका मानना है कि अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो वह विभिन्न तरीकों से अपना रोष प्रदर्शन करेंगे। सीनियर कैमरा पर्सन सनी चौधरी के साथ मैनुषा मंडान, समाचार एक्सप्रेस न्यूज़, करनाल।